तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं कि जिस टाइप से आपका अप्रिसिएशन आपका सपोर्ट रहा है इस टाइप की फीलिंग आई एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई जो कि मेरे को अपने आप को बेस्ट रखना है बेस्ट देना है मेरे पूरे स्टूडेंट जितने भी इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स है जो भी गेटेगे फॉलो करते हैं जो भी मेरे को फॉलो करते उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी एंड गेट एकेडमी प्लस आज थर्टी फर्स्ट का लास्ट दिन है और जस्ट अभी मैं कोलकाता से अभी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा और एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस ही आया हूँ अभी तक घर भी नहीं गया हूँ तो मेरे को लगा कि पहले आप लोगों के लिए बात कर लेते हैं आप लोगों को मैसेज दे देता हूँ तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कल से आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है न्यू डे स्टार्ट हो रहा है और मैं उनको लगा कि कुछ बात भी कर लेता हूँ मैं ठीक है तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ जितने भी सिटी में विजिट कर रहा हूँ पूरे इंडिया टूर पे हूँ मेरा अभी सिर्फ एक टूर बचा हुआ है जयपुर जो लास्ट में रहा है जो जयपुर में मैं लेने वाला हूँ बस वो एक बच्चा है बाकी मैक्सिमम हो गया तो मैं सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ कि जिस टाइप से आपका अप्रिसिएसन आपका सपोर्ट रहा है इट्स टू गुड मतलब मैं स्टार्ट किया था अहमदाबाद से उसके बाद मैं भुवनेश्वर गया फिर भुवनेश्वर के बाद फिर मैं पुणे गया तो बहुत बहुत एकदम अच्छी फीलिंग थी इतना बेस्ट टाइप की फीलिंग आई उसके बाद फिर मैं अभी दिल्ली गया दिल्ली के बाद फिर मैं पटना गया पटना में भी गजब का रिस्पांस था उसके बाद मैं कोलकाता गया कोलकाता में तो इस टाइप की फीलिंग आई एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई जो कि ट टीचर को कम मिलती है तो मैं बहुत लकी हूँ कि लोग इतना आप लोग इतना अप्रिसिएट करते इतना प्यार करते और मैं इस चीज़ को मेंटेन भी रखूँगा मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाय डे बढ़ते जा रही है आप अगर मेरे को इतना ज़्यादा प्यार करते हो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मेरा केयर करते हो इतना ज़्यादा एप्रिसिएट करते हो मतलब ऐसे टीचर ये वाली फीलिंग में वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि कि किसी भी टीचर को अप्रिसिएसन चाहिए रहता है जो वो काम करता है अगर उसको लोग अप्रिसिएट करते हैं तो वो बहुत ही हैप्पी होता है और आप लोग तो मेरे को एकदम स्टार्टाउन वाली फीलिंग दे देते हो मतलब किसी सिटी में मैं जब जाता हूँ तो आप जिस टाइप से अपना आपका रिस्पॉन्स रहता है टू गुड तो इससे मेरे को लगता है कि मैं मेरे माइंड में बार बार ये कुछ सुनाते रहता है कि मेरे को अपने आप को बेस्ट रखना है बेस्ट देना है और भी और भी कंटेंट को मैं इम्प्रूव करूँगा और भी डिलीवरी को इम्प्रूव करूँगा और मेरा जो डेडिकेशन है वो कम नहीं होगा मैं डे बाई डे और वर्कआउट करूँगा तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इन अप्रिसिएसन और इन रिस्पॉन्स के कारण मैं चीज़ों को ऐसे हल्के में लूँगा ऐसा कभी नहीं करूँगा मैं आज तक ऐसा कभी भी नहीं किया और कभी भी नहीं करूँगा तो टू का आज लास्ट डे है और कल से अब 2019 स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो मैं उन सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूं जिनको अन मैं हर्ट किया होगा ऐसा हो सकता है कि ए, कुछ लोगों को मैं टाइम नहीं दिया होगा जो लोग मैं एक्सपेक्ट करते होंगे कि उनको टाइम मैं नहीं दे पाया ठीक है तो उन सभी लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ इवन मैं फैमिली के भी लोगों को उतना टाइम नहीं दे पाया जितना टाइम की नीड थी मैं बिजी था और तो मैं उतने अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाया सब चीज़ों को तो मेरे को लगता है कि मैं टू में ट्राई करूँगा सभी चीज़ों को बैलेंस कर सकूँ और अन uh, इसलिए बोला क्योंकि मैं कुछ प्लान करके किसी को कभी हर्ट नहीं करता ऐसा कभी नहीं होता कि मैं प्लान करूँ और किसी को हर्ट करूँ तो ऐसा हो सकता है कि कोई अनइंटेंसनली हर्ट हर्ट हो जाए और मेरे टाइमिंग के कारण या हो सकता है मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ तो इसके कारण भी कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं मैं ट्राई करूँगा टू में कि इंप्रूव कर सकूँ इस चीज़ को ऐसे पर्सनैलिटी में इंप्रूव कर सकूँ और और जितना भी हो सका अपना बेस्ट ट्राई करूँगा तो टू में मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ सीखा मेरे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली टू में और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा 2018 मतलब मैं इन्जॉय किया इस 2018 को मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ अप्रिसिएशन वाइज फीलिंग वाइज एवरीथिंग एवरीथिंग मतलब जो गेट एकेडमी जिस फॉर्म में ग्रो कर रहा है 2018 में जो एप्रिसिएसन मिला पूरे इंडिया से गेट एकेडमी मैं गेट एकेडमी के साइड से जो बुक लॉन्च हुई इस बार एट बुक्स लॉन्च की और सभी बुक्स को इतना अच्छे से आप लोग अप्रिसिएट किए पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग अप्रिसिएट किए वो 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 उसके लिए थैंक यू वेरी मच मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता तो वो वो बहुत ही गुड फीलिंग है गेट अकेडमी के लिए गेट अकेडमी की ग्रोथ के लिए तो मैं कन्फर्म बता रहा हूँ आपको कि टू में आपको सरप्राइजेस बहुत ही बेहतरीन मिलने वाले हैं हमारी पूरी टीम इतना बेहतरीन वर्कआउट करने वाली और करेगी नो no डाउट हम हर साल करते हैं लेकिन 2019 और भी डिफरेंट एक, एक 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 हाई एक हाई लेवल पे हम पहुंचा देंगे चीज़ों को और जितने भी कॉम्पिटिटर उनको मैं बोलना चाहता हूं कि बिल्कुल आप जेनुन कॉम्पिटिशन करो एकदम आप भी एफर्ट करो मजा आएगा कॉम्पिटिशन का मजा है एट द एंड स्टूडेंट के लिए एडवांटेज होगा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एडवांटेज होगा जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं तो जेनुइन हम लोग कॉम्पिटिशन करते हैं ये फेक आई बना बना के किसी के बारे में कुछ लिखना है इसकी नीड नहीं है अपन अपनुन कॉम्पिटन करते हैं और इस बार तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफलाइन में जितने लोग पढ़ाते हैं उनके साथ भी बिग कॉम्पिटिशन होने वाला है जो ऑनलाइन वाले लोग हैं जो हम लोग यूट्यूब में वीडियोस देते हैं वो भी आप देखिएगा कि किस लेवल पे और जाने वाला है और ऑनलाइन में चीजें अगर किस फॉर्म में होने वाली है ट्वेल्थ जेन को तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग वेट वेट कर रहे होंगे पूरा इंडिया वेट करेगा कि 12th को आपको मैं अनाउंस करूंगा ट्वेल्थ जेन को कि क्या आ रहा है क्या प्रोडक्ट आ रहा है क्या मैं प्लान करके रखा पूरे इंडिया के लिए मेरे को लगता है जितने भी कॉम्पिटिटर लोग होंगे वो भी ट्वेल्थ जेन को वेट करेंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है वो लोग भी वेट करेंगे तो मेरे को पता है कि उनको बहुत एडवांटेज होने वाला है जिस फॉर्म में मैं प्लान किया हूं वो बहुत ही अच्छा है तो मैं ट्राई करूंगा कि पूरे इंडिया को कनेक्ट कर सकूं चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो तो पूरा पूरा इंडिया पूरा इंडिया को बेहतरीन फॉर्म में टेक्निकली कनेक्ट करेंगे हम लोग तो टू थाउजेंड एक एक ऐसा ईयर है जिसमें मैं मेरे को ऐसे मैं खुद पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए बहुत गुड ईयर रहा है फीलिंग वाइज़ गुड ईयर रहा है और मैं टेक्निकली अपने आप को सोचता हूँ कि मैं खुद ग्रो किया हूँ फीलिंग वाइज ग्रो किया हूँ टेक्निकली मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव किया हूँ क्योंकि इतने सारे लोग बिलीव किए भिलाई में इतने सारे लोग आए तो टू के पहले ऐसा कभी भी फीलिंग नहीं था कि भिलाई में ऐसा टेक्निकल माहौल हो सकता है कि पूरे इंडिया से भिलाई में लोग आए तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच कि आप इतना बिलीव करते और 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 मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी जितने लोग भी भिलाई आए होंगे उसमें से नाइन्टी लोग सेटिस्फाइड होंगे हम लोग अपना बेस्ट ट्राई दिए सिलेबस कंप्लीट किए जितना हो सकता है अगर आप उनकी कॉपी देखोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि उनके कॉपी का जो कंटेंट से उससे ज्यादा अच्छा कंटेंट किसी के पास भी होगा किसी के पास भी नहीं हो सकता इंडिया में मैं कंफर्म हूँ हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा पांच दस परसेंट लोगों का थोड़ा सा इसी हो सकता है कि जो शेड्यूलिंग उतना अच्छा नहीं हुआ होगा कभी कभी ऐसा होता था क्योंकि टीचर की जो अवेलेबिलिटी है जैसे मैं हूं तो मैं ही कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूं तो सभी बेच को मेरे को ही कंट्रोल पढ़ाना है सभी बेच को मेरे को ही नेटवर्क पढ़ाना है तो उस केस में कई बार शेड्यूलिंग को लेकर भी थोड़ा सा होता था तो उस केस में हो सकता है कुछ स्टूडेंट पांच लोग हो सकते कि उतने उस वे में हैप्पी ना हो लेकिन नाइन्टी लोगों से जब भी आप फीडबैक ले जब भी आप बिलाई में फीडबैक ले तो आप किसी भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पर बिलीव ना करें आप बहुत सारे लोगों पर इतने सारे लोग आए बिलाई तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक ले नॉर्मल लोगों से फीडबैक ले जितने भी एवरेज स्टूडेंट थे उनसे फीडबैक ले जितने लोग भी बहुत अभी गेट में अच्छा परफॉर्म करने वाले उनसे आप फीडबैक लेंगे बहुत प्रॉपर वे में आप फीडबैक लोगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में हम लोग ट्राई किए लेकिन टू में और भी बेस्ट ट्राई करेंगे और भी बेस्ट ट्राई करेंगे और भी मैं अपने आप में इंप्रूव करूंगा ठीक है जो मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ थोड़ा सा उसमें भी मैं ट्राई करूंगा कि वाला चीज़ को भी थोड़ा सा इंप्रूव कर सकूँ और जो मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ कभी कभी पर्सनल और जो प्रोफेशनल चीज़ें उसको भी मैं और भी बेटर वे में ट्राई करूंगा प्रॉमिस तो नहीं करें करता हूं। लेकिन मैं फिर भी बेटर वे में ट्राई करूंगा कि बेटर फॉर्म में आए जितने लोग लोग भी आ, 2018 में मिस्टेक मिस्टेक किए किए होंगे होंगे ऐसा होगा कि बहुत सारे अपने टाइम को लेके, अपनी को अपनी फीलिंग कुछ ऐसे लोगों टाइम दिए होंगे जिन लोगों पर टाइम नहीं देना चाहिए था या कुछ अपने फोकस जो अपना गोल होता है लाइफ का उसको उतना केयर नहीं कि होंगे जितने केयर की जरूरत है तो आपके पास एक और 2019 स्टार्ट होने वाला कल से तो कुछ रिजोल्यूशन लीजिए मेरे को पता है कि ठीक है एक नया दिन जब स्टार्ट होता है तो वो एक नॉर्मल डे के समान ही रहता है लेकिन फिर भी फिर मेरे को लगता है कि कुछ डिफरेंट जो फीलिंग होती है उसके लिए कभी कभी ये सब भी मैटर करता है कि कल से नया साल स्टार्ट होने वाला है तो टू से हम क्या करने वाले है? तो मेरे को लगता है कि मैं भी मैं भी ट्राई करूँगा मैं भी मैं भी ट्राई करूँगा कि बेटरमेंट के साथ मैं अपने आप को ले जाऊँ आगे ले जाऊँ गेट अकेडमी को ले जाऊँ अपनी टीम को ले जाऊँ पूरे इंडिया के स्टूडेंट के लिए बेटरमेंट के लिए सोच सकूँ और मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ इतना स्ट्रॉन्ग रहूँ मेंटली फिजिकली मैं इतना स्ट्रॉन्ग रहूँ कि सबके लिए मैं सोच सकूँ तो मैं ऐसा चाहता हूँ और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी हम मिस्टेक्स किए टू थाउजेंड में जो भी जो भी मिस्टेक्स हो जाती है हमसे बिना जान बिना जाने मतलब ऐसा हो जाता है कि हम कोई प्लान करके मिस्टेक नहीं करते लेकिन हो जाता है कई बार हम अपनी चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करते हम केयर नहीं करते अपने रिलेशनशिप का केयर नहीं करते हम अपने टेक्निकल फीलिंग का केयर नहीं करते हम अपने गोल का केयर नहीं करते हम अपने फ्यूचर का केयर नहीं करते ऐसा कई बार मिस्टेक हो जाता है तो आप ट्राई करना कि टू में उसको इम्प्रूव कर सके टू थाउजेंड नाइनटीन में बेटरमेंट के साथ आप आ सके अपने आप को इंप्रूव करो पर्सनली इंप्रूव करो प्रोफेशनली इंप्रूव करो जो भी आपकी वीकनेस है उस पर वर्कआउट करो एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ एक नया साल स्टार्ट हो रहा है तो एक न्यू रिजोल्यूशन के साथ आओ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा आपके पास कि आप आप नए साल में अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हो आप आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे को लगता है कि एक फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में कि अगर आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ चेंज हो जो भी जो भी जो भी, जो भी चीज़ आप कर रहे हो मैटर नहीं करता है कि आप क्या करते हो लेकिन जो भी चीज़ आप करते हो स्टूडेंट लाइफ में तो उसका हर साल इंप्रूवमेंट होना चाहिए ठीक है तो आप केयर करना हर छोटी छोटी चीज़ों का केयर करना बेटरमेंट के साथ आप आगे आइए अभी मैं टू एट्टीन पूरा वन ईयर अगर आप देखेंगे अगर कोई हमको पूरे वन ईयर से फॉलो कर रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि गेट अकेडमी यूट्यूब चैनल जो ग्रो किया या गेट अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग जो ग्रो की वो तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ठीक है और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लोग गेट अकेडमी प्लस को फॉलो करते होंगे तो मैं उनके लिए भी बोलना चाहता हूँ कि जो गेट अकेडमी प्लस को फॉलो करते आप देख रहे होंगे इस बार पूरा मैकेनिकल डोमिनेटिंग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वीडियोज आए लेकिन गेट अकेडमी प्लस में मैकेनिकल डोमिनेटिंग रहा है तो आपको मैं बता दूँगी कि टू में हम ट्राई करेंगे कि पूरे ब्रांचेस को हम और अच्छे से कवर कर सके मैं वैसे बोल चुका हूं कि गेट अकेडमी प्लस पे मेरे को कम से कम तीन से चार साल चाहिए मैं पूरे ब्रांचेस को बहुत अच्छे फॉर्म में कवर करूंगा आपको मजा आएगा क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गेट अकेडमी प्लस को एक, एक एक अच्छे लेवल पर ले जा सकूं से बात करता हूं कि हमको बेटरमेंट के साथ पूरे इंजीनियर्स लोगों के लिए क्या करना चाहिए तो गेट अकेडमी प्लस जो है वो मेरे फीलिंग का पार्ट है कि मैं चाहता हूं जो भी चीज आए वो कंटेंट्स फ्री फॉर्म में अवेलेबल होंगे वो पूरा का पूरा इंडिया के इंजीनियर्स लोगों के लिए वो चैनल है उसमें पूरा का पूरा हमेशा फ्री रहेगा जो भी वीडियोस आए हैं जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक वो वीडियोस रहेंगे ऐसा कभी नहीं होगा कि वीडियोस को हम डिलीट करेंगे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे तो ठीक है तो मैं चाहूंगा कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते जा रही है जो आपके जूनियर्स हैं उनके जूनियर्स हैं उन लोगों के लिए और एडवांटेज होगा अगर कोई बी में एडमिशन अगर अभी लिया होगा टू में एडमिशन लिया होगा या टू में एडमिशन लिया होगा तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट होने वाला गेट एगेडी प्लस तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि टू थाउजेंड में आप गेट एगे प्लस को एक न्यू लेवल पर देखेंगे जैसा कोई सोचा नहीं होगा उससे भी ज्यादा बेटर मेंट के साथ हम आएंगे ठीक है मैं प्रोमिस में वो बोलता हूं कि मैं प्रोमिस पे बिलीव नहीं करता हूं हम लोग वर्कआउट पर बिलीव करते तो आपको अच्छा फॉर्म देखने को मिलेगा ठीक है तो अब जो टू थाउजेंड अब नाइनटीन स्टार्ट हो रहा है तो आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी गेट की प्रिपरेशन चल रही होगी लास्ट मोमेंट पे होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बैक माइंड में होगी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा जो भी हो जाएगा जो भी होगा देखा जाएगा मैं बोलता हूँ कि अपने आप को बेटरमेंट के साथ लेके आओ एक एक गुड ह्यूमन बींग रहो एक अच्छा एक अच्छा हार्ट आपका होना चाहिए आपके आपको पता होना चाहिए आपकी वैल्यू पता होना चाहिए किसी को भी हर्ट नहीं करना है हमको 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 हर चीज़ को फॉलो करना है किसी को भी किसी को भी फीलिंग नहीं देना है किसी को भी झूठी फीलिंग नहीं देना है किसी को भी किसी के साथ भी आपको गलत ट्राई नहीं करना है आपको ट्राई करना है हमेशा लाइफ में कि आप आप बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आगे बढ़ो क्योंकि आपकी जब गुड फीलिंग होती है जब आप अपने वर्कआउट को बहुत अच्छे से करते हो जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते हो तो एक एक सेटिस्फेक्शन लेवल है उसका एक अलग मजा है जब आप किसी के साथ प्लान करके कुछ गलत करते हो जा, जा आप एक गुड ह्यूमन बींग बहुत सारे लोग उतने अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते लोग दूसरे के बारे में ही बात करते रहते लोग दूसरे के अचीवमेंट के बारे में ही बात करते रहते तो मैं बोल रहा हूँ नहीं अपने आप पर फोकस करो अपनी चीज़ों पर फोकस करो और बेटरमेंट के साथ आगे जाओ तो टू में आप अपने आपको इंप्रूव करो मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी मेरे से जुड़े उनमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए जब मैं कोलकाता में था तो कुछ स्टूडेंट बोले कि सर हम तो गिव अप मारने वाले थे लास्ट वन ईयर से जब से आपको देखना चालू किए तो गुड टेक्निकल फीलिंग आई है बिहार जब मैं बिहार में पटना में था तब भी वहां पर स्टूडेंट लोग बोले कि सर आपको देखने के बाद हम लोग टेक्निकल ग्रो कर रहे हैं टेक्निकल अच्छा फील कर रहे तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इतना कम इतना कम मतलब वर्चुअल है यूट्यूब तो यूट्यूब की जो वीडियो है वर्चुअल है ना कि जस्ट आप मेरे को देख रहे हो कि मैं क्लास रू में वीडियो बना रहा हूँ आप वन टू वन कभी मिल नहीं पाए हो लेकिन इतना रिस्पेक्ट इतना प्यार इंडिया से जब मिलता है तो मेरे को लगता है कि मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ वर्ड्स में एक्सप्लेन कैसे करूँ ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ मतलब मैं इतने सारे लोगों को इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ लेकिन इतना इतने, इतने इत, इतना अच्छे फॉर्म में कभी भी नहीं हुआ मेरे को याद है कि जब मैं कल कोलकाता में जब था और सब लोग ऐसे सेल्फी वगैरह ले रहे थे तो एक पेरेंट आके बोले भी कि ऐसा स्टार्टम तो एक सेलिब्रिटी को मिलता है सिर्फ हम लोग सिर्फ हीरो लोगों को देखे तो इतना अच्छा फील हुआ तो मेरे को उसके बाद मेरे को और अंदर से फील आई की यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ रही है पूरा इंडिया कितना बिलीव कर रहा है पूरा इंडिया चाहता है कि हम बहुत अच्छा प्रोवाइड करें पूरा इंडिया हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि चीजें बेटरमेंट फॉर्म में दे पूरा इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ सकते भिलाई उनके लिए भी आप कुछ करो तो मैं मैं इतने दिन से वर्कआउट कर ही रहा हूँ सस्पेंस भी ओपन होने वाला है ट्वेल्थ को तो हम मैं मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लिए जितना बेस्ट हो सके बस आप में से कनेक्टेड रहिए आपकी कुछ भी कंप्लेंट है मेरे को बिल्कुल बोलिए मैसेंजर में बोलिए मैं चीजों को देखता हूँ केयर करता हूं जहां पर भी मेंट के चांसेस होंगे करेंगे ऐसा तो है नहीं कि एकदम मैं आइडियल हूँ या मेरी टीम एकदम आइडियल है हंड्रेड परसेंट वहाँ पर हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे लेकिन जैसे जैसे समय निकल दिया जाएगा हम इंप्रूव करेंगे बेस्ट फॉर्म में इंप्रूव करेंगे ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग अगर आप भिलाई आते हो तो आपको जो फीलिंग आएगी टेक्निकल फीलिंग उसका कोई कंपेरिजन नहीं है आप अगर मैं से कनेक्टेड रहते हो जो भी मैं जो भी करने वाला हूँ उसमें कोई भी काम मैं ऐसा नहीं करूँगा जिसमें आपकी फीलिंग ना वीक हो चाहे जितने लोग भी 2018 में जितने लोग भी बुक परचेज़ किए हैं उन सब लोगों से आप फीडबैक ले सकते हो कि वैसी बुक वो लोग कभी नहीं देखे जब मैं वहाँ पे पटना में था तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट लेके ले आए कि सर आपकी जो बुक्स है सर वैसी बुक तो कोई नहीं लिखा कभी भी उस टाइप की बुक नहीं देखे और बहुत कम लोगों को आइडिया भी है जो लोग बुक पढ़ रहे हैं अच्छे से सिर्फ उन्हीं को पता है बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ों के साथ ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते जा रहा है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और मेरे को लगता है कि इन कॉन्फिडेंस के साथ मैं अच्छा कैरी करूंगा पूरी गेट एकेमिक की के टीम कैरी करेगी गेट अकेडमी की एक टीम ना कभी भी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको आपकी जो फीलिंग है उसको डाउन कर सके अपन बेस्ट फॉर्म में करेंगे बस आप कनेक्टेड रहिए फैमिली की समान सपोर्ट कीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कॉम्पिटेटर होंगे इसलिए वो हेड करते होंगे अदरवाइज कोई अगर मेरा कॉम्पिटर नहीं है तो वो मेरे को मेरे को नहीं लगता कि मेरे को हेड करेगा क्योंकि मैं कभी किसी के लिए प्लान नहीं करता कभी किसी को प्लान करके हर्ट करने का प्लान नहीं करता या मैं कभी किसी को प्लान करके किसी को डाउन करने का प्लान नहीं करता मेरे को लगता है कि कोई किसी को रोक ही नहीं सकता कोई किसी को स्टॉप नहीं कर सकता है सबकी अपनी लाइफ है सब लोग खुद अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं ना तो आप किसी को सक्सेसफुल बना सकते हो ना किसी को आप फेलियर में कन्वर्ट कर सकते हो तो आप किसी को रोक नहीं सकते तो मेरे को लगता है कि आप जो कर सकते हो वो सिर्फ अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो अपनी लाइफ डिसाइड कर सकते हो आप लोगों की लाइफ डिसाइड इतने आराम से नहीं कर सकते तो जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि वो लोग भी जंग के लिए रेडी रहे फाइट के लिए रेडी रहे टू जो होगा बेस्ट फॉर्म में होगा इंडिया के जितने भी टीचर हैं उन सब सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी वो क्लासरूम एंगेज करें अपने स्टूडेंट लोग को बेस्ट देने का ट्राई करें हम लोग बेस्ट देने का जितना ट्राई करेंगे स्टूडेंट उतने ही हैप्पी होंगे स्टूडेंट की फीलिंग को समझने का ट्राई करें बहुत सारे स्टूडेंट अपनी बात को रख नहीं पाते तो हम ट्राई करें कि जब भी हम क्लास में हो तो हम स्टूडेंट की फीलिंग को समझें कि बहुत सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें अच्छे फॉर्म में नहीं आती तो उनकी फीलिंग का भी आप केयर करें जितना ज़्यादा आप स्टूडेंट की फीलिंग का केयर करेंगे उतना आपसे वो प्यार करेंगे उतना आपको रिस्पेक्ट करेंगे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते जब स्टूडेंट किसी को अप्रिसिएट करता है जब वो प्यार करता है जब वो रिस्पेक्ट देता है वो अप्रिसिएशन मनी से परचेस नहीं किया जा सकता है तो आप प्रोफेशनल पर्सन रहे जितने लोग भी पढ़ाते वो प्रोफेशनल पर्सन रहे लेकिन एक पर्सनल फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीचर की अगर वो पर्सनल फीलिंग भी अगर बहुत अच्छी होगी कि स्टूडेंट के लिए मजा आएगा आपको खुद फील करके मजा आएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा जितने भी टीचर कम्युनिटी मेरे इस वीडियो को देख रही होगी इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हम लोग टू में पूरे लोग अच्छा देंगे कॉम्पिटिशन जो है वो है हम लोग और ट्राई करेंगे आप भी और ट्राई करो फाइट होगी फाइट का मजा है पूरे इंडिया में इतने स्टूडेंट्स हैं कि कमी नहीं है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर आप अच्छा काम करोगे कोई आपको रोक नहीं सकता चीजें आपके लिए जाएगी अगर हम बेटर करेंगे चीजें हमारे लिए कनेक्ट होगी एक स्टूडेंट को तो बेस्ट फॉर्म में चाहिए तो पूरा इंडिया अपना वर्कआउट करेगा तो इतने स्टूडेंट्स है कि जो लोग भी गुड कंटेंट देंगे उनको वरी करने की जरूरत नहीं है उनके साथ चीजें अच्छी होगी तो कोई किसी को भी कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक स्टूडेंट कम्युनिटी को पता है कि क्या सही है क्या गलत है ठीक है सब लोग अपना बेस्ट ट्राई करें तो ठीक है इतनी सारी बात कर ली है हमें तो जस्ट अभी तो मैं अभी घर जाता हूँ थोड़ी देर में तो मैं सोचा कि आप लोगों से एक मैसेज में बात कर लेता हूँ जस्ट मेरी फीलिंग बहुत स्ट्रॉंग थी कल से कल से जब मैं कल से को जो कोलकाता की जो फीलिंग मेरे को मिली है इज़ टू गुड तो मेरे को मज़ा आ रहा है और आप देखिएगा कि 2019 मतलब मैं बेस्ट ट्राई करूँगा बस मैं मैंटली फ़िट रहूँ फिजिकली फिट रही और फिट रहूँ और मैं ट्राई भी करूँगा कि मैं बैलेंस कर सकूँ सब चीज़ों को जो भी मैंने मिस्टेक्स किया हूँ टू में कुछ कुछ बेसिक मिस्टेक्स किया हूं, वो मिस्टेक्स को रिपीट ना करूँ और अच्छे फॉर्म में एक अच्छी एक अच्छी पर्सनलिटी के साथ मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हूँ एक अच्छे फॉर्म में मैं आपको रिप्रेजेंट कर सकूं गेट एकेडमी को एक बिग ब्रांड के फॉर्म में जो जो एक इंडिया लेवल पे ब्रांड के फॉर्म में करना है वो कर सकूं तो मैं अपने पूरे टीम को भी बोलना चाहता हूं कि हम लोग पूरा एफर्ट करेंगे मैं पूरे लोगों का केयर करूंगा जितने भी गेट अकेडमी की फैमिली है जितने भी गेट अकेडमी के मेंबर्स हैं मैं ट्राई करूंगा कि आने वाला जो समय हो सबके लिए ब्राइट फ्यूचर हो सबकी लाइफ बेस्ट हो जो भी लाइफ आपकी चल रही है प्रेजेंट उससे बेटर लाइफ में ट्राई करूंगा पूरे जितने लोग भी गेट अकेडमी में काम करते हैं उन सबको भी हैप्पी न्यू ईयर मेरे पूरे स्टूडेंट जितने भी इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी गेट अकेडमी को फॉलो करते हैं जो भी मेरे को फॉलो करते हैं उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर एक न्यू रिजोल्यूशन एक न्यू फीलिंग के साथ टू स्टार्ट करो मैं आपके साथ में हूँ आप मेरे साथ ऐसे फैमिली मेंबर बने रहिए हम लोग मिलकर ट्राई करेंगे कि लाइफ को बहुत बेटर कर सके इंडिया के एजुकेशन को बहुत बेटर कर सके सोसाइटी को बहुत बेटर बना सके इन सब चीज़ों के साथ हम अच्छी लाइफ को कैरी कर सके ठीक है तो मेरे पूरे गेट अकेडमी फैमिली मेंबर के साइड से आप सभी स्टूडेंट लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इस फैमिली को आप ऐसे ही मेंटेन रखिए ठीक है ओके थैंक यू